कैथल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पति शराब के पैसे के लिए अपनी पत्नी का सौदा करना चाहता था। जानकारी के अनुसार महिला का पति आदतन शराबी, इससे ही वो अपने सारे पैसे उड़ा देता था। अपनी इस नशे की लत को पूरा करने के लिए जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने अपनी ही पत्नी का अपने दोस्त रिटायर्ड पुलिसकर्मी के पास छोड़ पैसे लेकर शराब लेने चला गया। तो उक्त दोस्त ने दुराचार की नियत से महिला को कमरे में बंद किया, बलात्कार की कोशिश की तो पीड़ित महिला किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर स्थानीय थाने पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 376, 511 व 120B के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां पर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने मीडिया को बताया कि उसे फंसाया जा रहा है। नहीं, आपने खाके को फिर असेम किया, झूठा प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करके ऐसा उसको पता है कि गड़बड़ी है, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। गुलाब का कोई वन था मेरे कुछ नहीं है मैडम, आपने मेरे पास आया करता पैसे पूछ रहे करता, तो इसमें धनवा गया अपने पर्चे लगा दिए। एक्चुअली एक औरत ने थाना राजौंद में कंप्लेंट दी थी कि उसका घरवाला चर्च ले जाने के बहाने उसे अपने यार दोस्त के पास ले गया और वहां जाके उसके दोस्त ने उसे पैसे दिए और बाइक दे दी और वो शराब लेने के लिए भेज दिया उसको, और फिर उसके दोस्त ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। तो इस सूचना पे, इस कंप्लेंट पे थाना राजौंद में FIR दर्ज हो गई थी और FIR दर्ज 376, 342 और 120B के तहत दर्ज की गई थी। तो उसके बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने आरोप धोखे का लगाया या कि उसके साथ कैसे पुलिस पड़े, जो दूसरा व्यक्ति है एक पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है। जी देखिए, पुलिसकर्मी हो या सिविलियन हो, अगर कोई अपराध करता है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, और ये सोच के नहीं लगाया गया है उसके ऊपर कि ये पुलिस ऑफिसर है। सिर्फ उसके साथ जो जेन्युइन हुआ है उसने वही कंप्लेंट दी थी और हमने इन्वेस्टिगेशन की है और दोनों को अरेस्ट किया है। उसके घर वाले ने धोखा किया है, वो उसको लेके गया है ज़बरदस्ती बहाने से, लेके गया है चर्च ले जाने के बहाने से उसको लेके गया। तो पीड़िता का कोई मेडिकल करवाया गया? जी मेडिकल करवाया गया है, बट जो उसने शुरू में कंप्लेंट दी थी वो जिस हिसाब से जिसको जैसा उसको समझ में आया जो हुआ उसने कंप्लेंट दे दी थी, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये मामला 376 का नहीं था बल्कि 376-511 उसे के रेप नहीं था, अटैम्प्ट टू रेप हुआ है। तो यही बात है, आरोपी या जो सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं तो ये रिटायर्ड हैं या अभी मौजूदा नौकरी पे? नहीं, रिटायर्ड हैं और अपराधी किसी कोई भी हो सकता है, किसी की मनोदशा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिए? इसको इनको 31/12 तक जुडिशियल कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। अब इनको जेल में छोड़ दिया जाएगा, फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो कोर्ट में सबमिट करवा दी जाएगी। थैंक यू। कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।